हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम एलएलबी थर्ड ईयर पेपर 3.5 पेनोलॉजी, विक्टिमोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस अर्थात दंडशास्त्र, प्रपीड़न शास्त्र एवं न्यायिक विज्ञान विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम पेनोलॉजी अर्थात दंडशास्त्र के टॉपिक टाइप्स ऑफ पनिशमेंट यानी दंड के प्रकार पर चर्चा करेंगे। दंड के प्रकार या टाइप्स ऑफ पनिशमेंट दो भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। पहला एंशियंट पनिशमेंट या प्राचीनकालीन दंड, दूसरा मॉडर्न पनिशमेंट या आधुनिक दंड। पिछले व्याख्यान में हमने एंशियंट पनिशमेंट या प्राचीनकालीन दंडों के बारे में चर्चा की थी। आज हम मॉडर्न पनिशमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। मॉडर्न पनिशमेंट की जब बात आती है तो वर्तमान काल में जो प्रचलन में दंड चल रहे हैं उनके बारे में चर्चा की जाती है। आज का युग हमारा मानवतावादी युग है और वर्तमान समय में प्राचीनकालीन दंडों के स्वरूप में परिवर्तन आया है। आज का युग सुधारवादी युग है। अपराधियों के साथ यद्यपि कठोर रुख अपनाना अपराधियों की प्रवृत्ति को रोकने में सहायक हो सकता है, परंतु अमानवीय दंड कोई भी लाभकारी परिणाम नहीं दे सकता। इस धारणा से प्रेरित होकर वर्तमान समय में प्राचीन समय में प्रचलित अनेक दंडों को अमानवीय बताकर उन्हें अवैधानिक करार कर दिया गया है और वर्तमान दंड का निर्धारण इस आधार पर किया गया है कि उससे अपराधियों में सुधार की संभावनाएं जागृत की जा सके या अपराधी में सुधार किया जा सके। वर्तमान समय में दंड के विषय में उदारता एवं मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाया गया है, परंतु फिर भी दंड के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। वर्तमान समय में जो दंड प्रचलन में है अब हम उन पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला है चेतावनी या वाक दंड। इसके अंतर्गत अपराधी को मौखिक चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है ताकि वह भविष्य में अपने आचरण में सुधार लाए और इस प्रकार के अपराध उसके द्वारा पुनः कारित न किए जाएं। दूसरा है जुर्माना या अर्थदंड या फाइन। सामान्य अपराधों के लिए अपराधी को अर्थदंड या जुर्माने से दंडित करना प्राय सभी देशों में प्रचलित है और इसे उचित भी माना गया है। जुर्माने का दंड राजस्व संबंधी उल्लंघन तथा यातायात के कानूनों का उल्लंघन की दिशा में ज़्यादा प्रयुक्त किया जाता है। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अर्थदंड देने में चूक करता है तो न्यायालय उसे अर्थदंड के स्थान पर कारावास भी दे सकता है और जुर्माने को राजकोष में जमा करवाया जाता है। इसी प्रकार तीसरा है इम्प्रिजनमेंट या कारावास। अधिकतर मामलों में दुनिया के अनेक देशों में दंड के स्वरूप के रूप में कारावास के दंड को अधिक प्रयोग में लाया जाता रहा है, क्योंकि अपराधी को अपराध करने से रोकने में कारागार की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसमें व्यक्ति को कारागार में रखा जाता है तथा वहां उसे सुधारने का प्रयास किया जाता है। ये तीन प्रकार के हो सकते हैं या इन्हें तीन भागों में बांटा गया है। पहला साधारण कारावास, दूसरा कठोर कारावास, तीसरा एकांत कारावास।
यानी सिंपल इम्प्रिजनमेंट, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट और सोलिटरी कन्फाइनमेंट। कठोर कारावास में अपराधियों से कठिन कार्य करवाया जाता है, जैसे कि उनसे शारीरिक श्रम कराया जाता है, जैसे कि मिट्टी खोदना, लकड़ी काटना, पानी खींचना, वजन उठाना, चक्की चलाना, सफाई कराना, पौधे लगवाना, फावड़ा चलवाना, पत्थरों को तोड़वाना इत्यादि कार्य कठोर कारावास के अंतर्गत अपराधियों से कराए जाते हैं। जबकि साधारण कारावास में अपराधी को सिर्फ कारावास में ही बंद रखा जाता है, किसी प्रकार का श्रम या कार्य नहीं कराया जाता है। एकांत कारावास यह साधारण कारावास का ही एक भिन्न रूप होता है, जिसका कि उद्देश्य अपराधी को न केवल समाज से दूर रखना होता है, बल्कि उसे कारागार में अकेले जीने के लिए मजबूर करना होता है, जिससे कि वह अपने किए गए अपराध का चिंतन कर सके और प्रायश्चित कर सके। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 73, 73 एवं 74, 74 में एकांत कारावास के बारे में प्रावधान किया गया है। अर्थात एकांत कारावास के अंतर्गत व्यक्ति को या अपराधी को एकांत में रखा जाता है। कारावासीय दंड अपराधियों को समाज से दूर रखकर समाज को सुरक्षित रखने का एक सबसे अच्छा एवं सरल तरीका है। वर्तमान में कारागारों की दशा में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। यहाँ तक अनेक देशों में कारावासियों, जिसमें भारत भी शामिल है, कारावासियों के लिए खुले शिविर, ओपन जेल सिस्टम तथा कारावास हॉस्टलों को भी, हॉस्टलों की भी व्यवस्था लागू की है। बाल अपराधियों तथा नव अपराधियों के लिए यहाँ कारागार में अलग अलग व्यवस्था की जाती है। इसी के साथ महिलाओं के लिए भी अलग से उन्हें रखे जाने का प्रावधान है। और इस प्रकार कारावास में दंड के अंतर्गत कारावासियों के सुधार पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा है। अगला है आजीवन कारावास। दंड की गंभीरता की दृष्टि से मृत्यु दंड के बाद आजीवन कारावास का स्थान आता है। जहाँ तक शाब्दिक अर्थों का प्रश्न है, आजीवन कारावास से अभिप्राय है अपराधी के मृत्यु होने तक का दंड। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि आजीवन कारावास से अभिप्राय है जब तक व्यक्ति जीवित है तब तक वह कारावास में ही रहेगा, अर्थात उसके मृत्यु दिवस तक का कारावास आजीवन कारावास कहलाता है। इसके बाद है मृत्युदंड या डेथ सेंटेंस या कैपिटल पनिशमेंट। यह दंड के प्रकारों में सबसे गंभीरतम एवं अंतिम दंड है। मृत्यु दंड से अभिप्राय अपराधी की मृत्यु कारित कर देना है। यह अत्यंत गंभीर किस्म के अपराधों में दिया जाता है, जैसे कि हत्या या हत्या, राजद्रोह इत्यादि। कुछ विचारकों का मानना है कि अपराधों का निवारण अपराधी की मृत्यु से नहीं किया जा सकता, इसलिए अपराधी में सुधार की संभावना आवश्यक है। भारतीय दंड संहिता 1860 की बहुत सारी धाराओं में मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना धारा 121, विद्रोह के लिए दुष्प्रेरित करना जिसके परिणाम स्वरूप विद्रोह धारा 132, ऐसी मिथ्या साक्ष्य देना या करना जिसके कारण निर्दोष व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाए धारा 194, किसी की हत्या कारित करना धारा 302, किसी शिशु या पागल या उन्मत्त को आत्महत्या के लिए प्रेरित करना धारा 305, आजीवन कारावासी के द्वारा हत्या का प्रयास करना धारा 307, फिरौती के लिए व्यापरण कारित करना धारा 364A,
ऐसी डकैती जिसमें हत्या कारित की गई हो, धारा 396 आदि ऐसे उदाहरण हैं जिसके अंतर्गत भारतीय दंड संहिता में व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाता है। अब अगला है पैरोल। इसके अंतर्गत अपराधी लंबे समय तक कारागार में रह चुका होता है, वहां उसके अच्छे आचरण के आश्वासन पर एवं शर्तों के आधार पर नियत सजा से पूर्व की अवधि से पूर्व ही मुक्त कर दिया जाता है। अगला है परिवीक्षा। परिवीक्षा सुधारवादी दंड व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसमें अपराधी को जेल में भेजने से पूर्व ही उसके आचरण, आयु आदि को ध्यान में रखते हुए शर्त सहित सुधरने का अवसर प्रदान करते हुए छोड़ दिया जाता है, और अपराधी या व्यक्ति के द्वारा शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर उसे पुनः जेल में गिरफ्तार कर भेज दिया जाता है। अगला है क्षमादान। इसके अंतर्गत अपराधियों को सजा तो सुना दी जाती है, परंतु उसका निष्पादन रोकते हुए अपराधी को क्षमादान कर दिया जाता है। इसके अंतर्गत कुछ अपराधियों को सजा तो सुना दी जाती है, परंतु उसका निष्पादन न करके उन्हें क्षमादान दे दिया जाता है। इस प्रकार क्षमादान सजा के निष्पादन के पूर्व दिया जा सकता है, जैसे मृत्युदंड के मामले में, अथवा सजा का कुछ भाग काट लेने के पश्चात दिया जा सकता है, जैसे आम आदमी के रूप में, अथवा अनियत दंडादेश के मामलों में। अगला है क्षतिपूर्ति या कंपनसेशन। क्षतिपूर्ति का दंड आधुनिक युग में प्रचलन में आया है, और यह पर्याप्त रूप से लागू किया जाने लगा है। इस प्रकार के दंड की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जहां एक ओर अपराधी को कष्ट पहुंचता है, वहीं अपराध से क्षतिग्रस्त व्यक्ति या उस पर आश्रित व्यक्ति को आहत भी पहुंचती है। क्षतिपूर्ति का दंड भारत में भी मान्य है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 357 के अंतर्गत न्यायालय क्षतिपूर्ति के रूप में दंड आरोपित कर सकता है। इस प्रकार क्षतिपूर्ति दिलवाना न्यायालय के सद्विवेक के अंतर्गत आता है। न्यायालय का यह सद्विवेक स्वस्थ न्यायिक सिद्धांतों द्वारा शासित होता है। अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय को क्षतिपूर्ति दिलवाने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसी प्रकार की शक्ति बाल न्यायालय को केंद्रीय बाल अधिनियम 1960 के अंतर्गत मिली हुई है। अगला है संपत्ति की जब्ती। संपत्ति की जब्ती या फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी अपराध के फलस्वरूप दंड के रूप में संपत्ति की जब्ती भी की जा सकती है। वर्तमान समय में कई देशों में इस प्रकार का दंड प्रचलन में है। भारत में भी इस प्रकार का दंड प्रचलन में है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 121, 127, 169 या 169 में संपत्ति की जब्ती के दंड के बारे में प्रावधान बताए गए हैं। इस संदर्भ में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 53 में भी निम्न प्रकार के दंड बताए गए हैं जो वर्तमान में भारत में प्रचलन में हैं। पहला मृत्युदंड या कैपिटल पनिशमेंट, दूसरा आजीवन कारावास या लाइफ इंप्रिजनमेंट, तीसरा कारावास या इंप्रिजनमेंट। दो तरीके के कारावास बताए गए हैं। पहला साधारण कारावास, सिंपल इंप्रिजनमेंट, दूसरा कठोर कारावास या रिग्रेस इंप्रिजनमेंट। चौथा है संपत्ति की जब्ती या फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। पांचवा और अंतिम जुर्माना या अर्थदंड। इस प्रकार वर्तमान समय में
निम्न प्रकार के दंडों का प्रचलन है और आजकल अपराधी के प्रति मानवतावादी एवं उदार दृष्टिकोण अपनाया जाता है। अपराधी को सामाजिक परिस्थितियों की उपज मानकर उसे बीमार समझा जाता है और उसको एक मरीज की तरह उपचारात्मक दंड दिया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब प्राचीन कालीन दंडों में दंड का स्वरूप कठोर रूप का था और अत्यंत कठोर दंड दिए जाते थे, जबकि वर्तमान काल में हम देखते हैं कि मानवतावादी युग में सुधारात्मक सिद्धांतों के परिपाल की पालना करते हुए व्यक्ति में सुधार की संभावनाओं को देखते हुए व्यक्ति को सुधार की ओर अग्रसर किया जाता है और उन्हें कारागार में रखकर उन्हें सुधारने की संभावनाओं जागृत करते हुए समाज में पुनः स्थापित करने की ओर अग्रसर करने के लिए समुचित शिक्षा और व्यवसाय और कौशल इत्यादि भी सिखाया जाता है, ताकि वह अपनी सजा काटने के उपरांत समाज में स्वयं को पुनर्स्थापित कर सके और अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः पा सके। और जब वह सजा काटकर पुनः समाज में जाए तो उसे समाज से निराशा प्राप्त ना हो और वह स्वयं अपने कार्यों की ओर अग्रसर होके आगे बढ़ सके और अपना कार्य कर सके और अपना स्वयं का और अपने परिवार का लालन पालन कर सके और वह समाज में पुनः स्थापित हो सके। वर्तमानकालीन दंड व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति में सुधार की संभावनाओं पर अधिक बल दिया जाता है, जिसके कारण महिला अपराधियों, नव अपराधियों, बाल अपराधियों इत्यादियों के लिए अलग से कारागार में व्यवस्था की गई है। अपराधियों के लिए खुले शिविर या संपूर्णानंद शिविरों की भी व्यवस्था की गई है। हॉस्टल स्कूल्स की भी स्थापना की गई है। धन्यवाद।